ஸ்ரீ சரவணா பிலிம்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் பி சதீஷ்குமார் தயாரிப்பில் பிஜி மோகன் எல் ஆர் சுந்தரபாண்டி இயக்கத்தில் சத்யராஜ் அஜ்மல் துஷ்யந்த் ஸ்ரீமன் நடிக்கும் தீர்க்க தரிசி மே 5 முதல் உலகமெங்கும் வானொலி மூலம் 100வது மனதின் குரல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றி வருகிறார். நேரலையில் பார்க்கலாம். மேரி பியாரி தேசவாசியோ, இஸ் கார்யக்ரம் நே முஜே கபி பி ஆப்சே தூர் நஹி ஹோனே தியா. முஜே யாத் ஹை, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो वहां सामान्य जन से मिलना जुलना स्वाभाविक रूप से हो ही जाता था। मुख्यमंत्री का कामकाज और कार्यकाल ऐसा ही होता है, मिलने जुलने के अवसर बहुत मिलते रहते हैं। लेकिन 2014 में दिल्ली आने के बाद मैंने पाया कि यहां का जीवन तो बहुत ही अलग है। काम का स्वरूप अलग, दायित्व अलग, स्थितियां परिस्थितियों के बंधन, सुरक्षा का तामझाम, समय की सीमा। शुरुआती दिनों में कुछ अलग महसूस करता था, खाली खाली सा महसूस करता था। 50 साल पहले मैंने अपना घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि एक दिन अपने ही देश के लोगों से संपर्क ही मुश्किल हो जाएगा। जो देशवासी मेरा सब कुछ है, मैं उनसे ही कट करके जी नहीं सकता था। मन की बात ने मुझे इस चुनौती का समाधान दिया, सामान्य मानवी से जुड़ने का रास्ता दिया। पदभार और प्रोटोकॉल व्यवस्था तक ही सीमित रहा और जनभाव कोटि कोटि जनों के साथ मेरे भाव विश्व का अटूट अंग बन गया। हर महीने मैं देश के लोगों के हजारों संदेशों को पढ़ता हूं। हर महीने मैं देशवासियों के एक से एक अद्भुत स्वरूप के दर्शन करता हूं। मैं देशवासियों के तप त्याग की पराकाष्ठा को देखता हूं, महसूस करता हूं। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं आपसे थोड़ा भी दूर हूं। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। जैसे लोग ईश्वर की पूजा करने जाते हैं तो प्रसाद की थाल लाते हैं, मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा बन गया है। मन की बात स्व से समष्टि की यात्रा है। मन की बात अहम से वयम की यात्रा है। यह तो मैं नहीं तू ही इसकी संस्कार साधना है। आप कल्पना करिए, मेरा कोई देशवासी 40-40 साल से निर्जन पहाड़ी और बंजर जमीन पर पेड़ लगा रहा है। कितने ही लोग 30-30 साल से जल संरक्षण के लिए बावड़ियां और तालाब बना रहे हैं, उसकी साफ सफाई कर रहे हैं। कोई 25-30 साल से निर्धन बच्चों को पढ़ा रहा है। कोई गरीबों की इलाज में मदद कर रहा है। कितनी ही बार मन की बात में इनका जिक्र करते हुए मैं भावुक हो गया हूं। आकाशवाणी के साथियों को कितनी ही बार इसे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा है। आज पिछला कितना ही कुछ आंखों के सामने आए जा रहा है। देशवासियों के इन प्रयासों ने मुझे लगातार खुद को खपाने की प्रेरणा दी है। साथियों, मन की बात में जिन लोगों का हम जिक्र करते हैं, वे सब हमारे हीरोज हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। आज जब हम 100वें एपिसोड के पड़ाव पर पहुंचे हैं तो मेरी ये भी इच्छा है कि हम एक बार फिर इन सारे हीरोज के पास जाकर उनकी यात्रा के बारे में जानें। आज हम कुछ साथियों से बात भी करने की कोशिश करेंगे।
मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के भाई सुनील जगलान जी। सुनील जगलान जी का मेरे मन पर इतना प्रभाव इसलिए पड़ा क्योंकि हरियाणा में जेंडर रेशियो पर काफी चर्चा होती थी और मैंने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया था। और इसी बीच जब सुनील जी के सेल्फी विद डॉटर कैंपेन पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी उनसे सीखा और इसे मन की बात में शामिल किया। देखते ही देखते सेल्फी विद डॉटर एक ग्लोबल कैंपेन में बदल गया और इसमें मुद्दा सेल्फी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसमें डॉटर को बेटी को प्रमुखता दी गई थी। जीवन में बेटी का स्थान कितना बड़ा होता है इस अभियान से यह भी प्रकट हुआ। ऐसे ही अनेकों प्रयासों का परिणाम है कि आज हरियाणा में जेंडर रेशियो में सुधार आया है। आइए आज सुनील जी से ही कुछ गप मार लेते हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार सर, मेरी खुशी बहुत बढ़ गई है सर आपकी आवाज सुनकर। सुनील जी, सेल्फी विद डॉटर हर किसी को याद है। अब जब इसकी फिर चर्चा हो रही है तो आपको कैसा लग रहा है? हमारे प्रदेश हरियाणा से पानीपत की चौथी लड़ाई बेटियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए शुरू की थी, जिसे आपके नेतृत्व में पूरे देश ने जीतने की कोशिश की है, तो वाकई ये मेरे लिए और हर बेटी के पिता और बेटियों को चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। सुनील जी, अब आपकी बिटिया कैसी है, आजकल क्या कर रही है? जी, मेरी बेटिया नंदनी और याचिका है, एक 7th क्लास में पढ़ रही है, एक 4th क्लास में पढ़ रही है और आपकी बड़ी प्रशंसक है। आपकी उन्होंने आपके लिए थैंक यू प्राइम मिनिस्टर करके अपनी क्लासमेट्स जो है लेटर भी लिखवाए थे असल में। वाह 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 वाह। अच्छा, बिटिया को आप मेरा और मन की बात के श्रोताओं का खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी वजह से देश की बेटियों के चेहरे पे लगातार मुस्कान बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। जी शुक्रिया। साथियों, मुझे इस बात का बहुत संतोष है कि मन की बात में हमने देश की नारी शक्ति की सैकड़ों प्रेरणादायी गाथाओं का जिक्र किया है, चाहे हमारी सेना हो या फिर खेल जगत हो। मैंने जब भी महिलाओं की उपलब्धियों पर बात की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी, ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए की है उसकी खूब प्रशंसा हुई है। जैसे हमने छत्तीसगढ़ के देउर गांव की महिलाओं की चर्चा की थी, ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। ऐसे ही तमिलनाडु की वो आदिवासी महिलाएं जिन्होंने हजारों इको फ्रेंडली टेराकोटा कप्स निर्यात किए उनसे भी देश ने खूब प्रेरणा ली। तमिलनाडु में ही 20,000 महिलाओं ने साथ आकर वेल्लोर में नाग नदी को पुनर्जीवित किया था। ऐसे कितने ही अभियानों को हमारी नारी शक्ति ने नेतृत्व दिया है और मन की बात उनके प्रयासों को सामने लाने का मंच बना है। साथियों, अब हमारे साथ फोन लाइन पर एक और सज्जन मौजूद है। इनका नाम है मंजूर अहमद। मन की बात में जम्मू कश्मीर की पेंसिल स्लेट्स के बारे में बताते हुए मंजूर अहमद जी का जिक्र हुआ था। मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है?
बहुत अच्छे से कर रहे हैं सर, बहुत अच्छे से जब से मनदिन कुरल निकल प्रधमर मोदी उसी सरवना फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड बी सतीश कुमार तैयारी पीजी मोहन एल आर सुंदरपांडी इयक्कत्तिल सत्यराज अजमल दुष्यंत श्रीमन नडिक्कुम दीर्घ दरिसी मे 5 मुदल उलगमेंगुम